हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 66 PT के लिए सेकंड मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपसे 25 करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे थे। आज हम 25 और करंट अफेयर के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने इस मॉक में। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने वो पहला मॉक टेस्ट वन नहीं लगाया है तो आप लगा लें, उसके बाद आप सेकेंड को अटैम्प्ट करें। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है कि क्रिस्टीना कोच ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो किसी भी वुमेन द्वारा लॉन्गेस्ट स्टे का रिकॉर्ड बनाया है वो कितने दिन का था। तो ये इसका आंसर जो वो 328 डेज़ है। लेकिन जो क्रिस्टीना कोच हैं वो नासा की यानी कि यूएस की एक एस्ट्रोनॉट हैं, इंजीनियर हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा था, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो इस रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा पैगी पैगी विटसन पैगी विटसन। और अगर हम किसी भी मैन के द्वारा अगर रिकॉर्ड की बात करें तो क्रिस्टीना कोच जो है केवल 12 डेज शॉर्ट रही। इन्होंने 328 डेज स्पेस में रही, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और जो लॉन्गेस्ट स्टे का रिकॉर्ड है वो 340 डेज का है, वो किसका है, स्कॉट वैली। ये भी यूएस के ही हैं, स्कॉट वैली। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर क्रिस्टीना कोच के बारे में एक बात और है कि अक्टूबर 2019 में एक ऑल वुमेन स्पेस वॉक हुई थी, तो उसमें क्रिस्टीना कोच थी और इनके साथ थी जेसिका मीर, डॉक्टर जेसिका मीर। इन दोनों ने एक रिकॉर्ड और बनाया था, क्रिस्टीना कोच ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिलहाल में किस कंट्री ने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन किया है जिसने उसे 2016 में छोड़ा था। तो ये जो है मालदीव्स ने अभी हाल फिलहाल में दोबारा रीज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ को 2016 में छोड़ने के बाद। देखिए, कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी बेसिस पे होती है, मतलब कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। कॉमनवेल्थ 1949 में बना था और टोटल 8 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर बनाया था। इसमें देखिए, 6 तो हमारी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये 3 हो गई। इसके अलावा यूके तो हो गई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये हो गई 6। इसके अलावा साउथ अफ्रीका एंड कनाडा, ये 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर के कॉमनवेल्थ 1949 में बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 मैंस का टाइटल किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, देखिए टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो पहला ईयर का ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन। चारों का अगर क्रोनोलॉजी पूछा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका विम्बलडन, फिर आपका यूएस ओपन। देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजिकली स्पेलिंग से भी अगर जाएँ तो पहले ए आएगा फिर एफ आएगा, लेकिन उससे पहले यू आएगा। लेकिन हमें यही ध्यान देना है कि यू सबसे लास्ट में, यूएस सबसे लास्ट में है, विम्बलडन पहले है। और बात करें इस बार का, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये नोवाक जोकोविक ने जीता है और ये इनका, ये इस बार का 8th टाइटल था, 8th टाइम इन्होंने ये जीता है। और नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। और इन्होंने हराया किसको था, डोमिनिक थीम को, डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। डोमिनिक थीम को नोवाक जोकोविक ने हराया था। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर कौन थी, सोफिया कैनन। सोफिया कैनन ये कहाँ की हैं, यूएस की हैं। इन्होंने हराया था गैरबीन मुगुरुजा जो कि स्पेन की, उनको हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। किस कंट्री ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 अंडर 19 जीता है इस साल। तो इस साल आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश ने जीता है, और हराया किसको था, इंडिया को। अच्छा, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2020 था वो हुआ कहाँ पे था, वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। और अगर हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो यशस्वी जायसवाल जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और अगर हम आईसीसी की बात करें तो अभी आईसीसी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था 4-5 दिन पहले ही, तो क्योंकि उसके जो चेयरमैन हैं वो भी चेंज हुए हैं। जो नए चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बारकले, और ये कहाँ के हैं, ये हैं न्यूजीलैंड के। और अगर हम बात करें आईसीसी का, अगर हेडक्वार्टर है आईसीसी का, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है दुबई में। दुबई कहाँ पे, यूएई है ना। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अभी न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया का कौन बना है। तो अगर न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो वो है विमल जुल्का। इससे पहले ये इंफॉर्मेशन कमीशन थे, कमिश्नर थे, और इनको ओथ किसने दिलाई है, प्रेसिडेंट ने। ऐसा इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया सुधीर भार्गव, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई गया सोफिया कैनन का। सोफिया कैनन जो कि ऑस्ट्रिया लिया ओपन उन्होंने जीता है विमेन सिंगल का, ये किस कंट्री की हैं। तो ये हैं यूनाइटेड स्टेट की।
जो सोफिया कोनेन है काफ़ी यंग है और ये इनकी एज केवल 22 है, और ये पैदा और यूएस में नहीं हुई थी, ये पैदा हुई थी रशिया में, लेकिन अभी ये यूएस की सिटीज़न है और इन्होंने इस बार का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट प्लैटिना जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल था, वो शुरू हुआ था कहाँ पे? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया था प्रोजेक्ट प्लैटिना, तो ये ध्यान देने वाले थे, प्रोजेक्ट प्लैटिना आएगा तो महाराष्ट्र आंसर होना चाहिए। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी ये बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं, इन्होंने 400 से भी ज़्यादा प्लस 400 प्लस मूवीज़ में काम किया है इन्होंने। इनकी मृत्यु होगी जुलाई में। इनका पॉपुलर नेम क्या था? अच्छा, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये सूरमा भोपाली, सूरमा भोपाली आपने देखा होगा शोले पिक्चर में, जो सूरमा भोपाली थे ये यही थे। इनका जो स्टेज नेम था वो था जगदीप, जगदीप इनका स्टेज नेम था, और इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। अभी एक कॉमेडियन है जावेद जाफरी है ना, वो जो हैं इन्हीं के बेटे हैं, जावेद जाफरी, वो आपने देखी होगी धमाल, धमाल कह रहा हूँ, 10 करोड़ वाली एक मूवी थी जिसमें जावेद बूगी वूगी शो आता था है ना, वो इनके लड़के का ही था जावेद जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री जो है उनने अनमैंड अनमैंड स्पेस प्रोब लॉन्च किया है मार्स के लिए, उसका नाम क्या है? होप। जो होप मिशन है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? एमिरेट मार्स मिशन। एमिरेट मार्स मिशन जो है वो अभी जुलाई में ही लॉन्च हुआ है, जुलाई में, और ये फरवरी 2021 में मार्स तक पहुंच जाएगा, और ये अरब का पहला कंट्री बन गया है यूएई। यूएई अरब का पहला कंट्री बन गया जिसने ये मैसेज ये अपना प्रोब लॉन्च किया है, तो स्पेस के प्रोग्राम लॉन्च किया है किसी अरब वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गूगल की जो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी गूगल प्लस, उसको दोबारा से लॉन्च किया है गूगल ने, और किस नाम से लॉन्च किया है? तो गूगल प्लस को रिप्लेस किया है गूगल ने ही अपने गूगल करेंट से, गूगल करेंट्स ये एक नई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। गूगल प्लस बहुत ज़्यादा इसमें कई सारे बग्स भी थे और सिक्योरिटी इशू था, और प्लस बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, इसलिए इसे वही है पुरानी शराब नई बोतल जो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ था नाग मिसाइल, नाग है ना, हेलेना, हेलेना का फुल फॉर्म क्या है? हेलीकॉप्टर बेस्ड, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग। तो हेलिना का रीनेम हुआ है यानी नया वेरिएंट आया है, उसका क्या है नाम? उसका नाम है ध्रुव अस्त्र, ध्रुव अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम ई वेस्ट जनरेशन की बात करें, जनरेशन ऑफ ई वेस्ट, तो यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर एक रिपोर्ट आई थी वो कि यूएन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की थी, इसमें क्या ऑर्डर है जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ई वेस्ट जनरेट करती हैं? तो अगर हम सबसे ज़्यादा ई वेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा करती है चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है यूएसए और थर्ड पे है इंडिया, और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, और फिर है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका से भी कम है ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियानिया। तो ये है, और हम मेजर ई वेस्ट की बात करें तो मेजर ई वेस्ट कौन कौन से हैं? लेड हो गया यानी पीबी है ना, फिर क्रोमियम हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया है ना, ये सब हो गया, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीब्रोमिनेटेड, ये सब जो जितने भी ये सब चीज़ें होंगी वो सब ई वेस्ट में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक लिखी है ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक किसने लिखी है? तो ये ओवर ड्राफ्ट नाम से थोड़ा लग रहा है कि बैंकिंग वैंकिंग का होगा, तो लेकिन इसमें ऑप्शन तो कई सारे हैं, तो ये आपको रटना पड़ेगा। ये जो है उर्जित पटेल जी ने लिखी है, उर्जित पटेल ने लिखी है ओवर ड्राफ्ट, और ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं कहाँ के, आरबीआई के, अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हमारे यहाँ 5 राफेल आए थे फ्रांस से, किस कंपनी में आया ये भी आप कमेंट करें, दसॉल्ट एविएशन, ये आप कमेंट करके बताएं। ये अभी पहली बार इंडिया में किस जगह आए थे? तो ये आए थे अम्बाला एयर बेस पे, जब इंडिया चाइना का बहुत ही ज़्यादा हाइप पे था रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट नई बिल्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की, किस कंट्री की नई बिल्डिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जुलाई में इनाग्रेट की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मोदी जी ने मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी वो पोर्ट लुइस में है ना, वहाँ की कैपिटल हो गई, मोदी जी ने लॉन्च की थी, और कैसे लॉन्च की थी? वर्चुअली,
एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मोदी जी, अभी तक नवंबर हो गया है, नवंबर आने वाला है, मतलब सॉरी दिसंबर आने वाला है, और मोदी जी ने इस साल कोई भी कंट्री विजिट नहीं की फॉरेन की। लास्ट जो है नवंबर 2019 में मोदी जी ने विजिट किया था ब्राज़ील को, 1 साल हो गया तब से मोदी जी बाहर नहीं गए हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है बहुत ज़्यादा, मोदी जी विदेश की कंट्री विजिट करते हैं, इस साल नहीं कर पाए कोविड की वजह से। ये क्वेश्चन भी अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकते हैं कि लास्ट कंट्री कौन सी विजिट की थी मोदी जी ने और कब विजिट की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आदित्य, आदित्य जो है इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? गुस्ताव ट्रोव अवार्ड। ये किसके लिए मिलता है? एक्सीलेंस इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। ये फेरी कहाँ चलती है? ये फेरी चलती है केरला में, है ना। ये इंडिया की पहली सोलर पावर फेरी और इंडिया की लार्जेस्ट सोलर बोट है, केरला में जो है वाइकॉम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये चलती है। और देखिए ये बनाया किसने है? ये बनाया है नव आल्ट, NAVALT, नव आल्ट बेसिकली नवगाथी मरीन डिज़ाइन और अल्टरनेटिव एनर्जी, जो कि फ्रांस का है, इन दोनों के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, तो इसमें फ्रांस का भी योगदान है। जो इंडिया का आदित्य है सोलर, एक आदित्य और है जो सोलर मिशन है, उसके अलावा ये आदित्य जो है वो सोलर पावर्ड फेरी है, यानी सोलर बोट है लार्ज। आप गूगल करके इसकी इमेज देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशिया की जो विक्ट्री परेड थी, रशियन विक्ट्री परेड, उसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था? देखिए मोदी जी तो गए ही नहीं थे, है ना, तो ये तो आंसर ऐसा रहा नहीं। इसमें गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उस टाइम काफ़ी ये न्यूज़ में भी था। और ये जो था इंडिया की तरफ से एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट भी गया था, ट्राई सर्विस मतलब नेवी आर्मी और एयरफोर्स, और केवल 75 लोग थे उसमें कंटिजेंट में, क्योंकि ये जो था वो 75th परेड थी। और ये परेड क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का एंड का सेलिब्रेट कर रहे थे, कहाँ पर? मॉस्को में। और गए कौन थे हमारे यहाँ से? राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इंडिया के अलावा 11 और कंट्री थी जिन्होंने अपने अपने कंटिजेंट भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्कन बोस्किड जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है, जो जनरल असेंबली हुई थी यूएन की 75th, उसका प्रेसिडेंट। ये किस कंट्री के हैं? तो ये बेसिकली एक टर्की के डिप्लोमेट हैं, इन्होंने यूरोपियन यूनियन में टर्की को लाने में बहुत ज़्यादा रोल इनका भी था, और यूरोपियन यूनियन में ये इन्होंने एक मतलब एक पद भी इन्होंने लिया था जब टर्की इसका मेंबर बन गया था। तो वोल्कन बोस्किड जो हैं कहाँ के हैं? टर्की के हैं। और क्या बने थे ये? प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के, 75वीं जनरल असेंबली के। संजीता चानू पे डोपिंग चार्ज लगे था, है ना, वो वाडा ने जून 2020 में हटा दिया। ये इंडिया की एक वेट लिफ्टर है, काफ़ी अच्छी वेट लिफ्टर है, और जब ये डोप मुक्त हो गई तो इनको जो है 2018 का अर्जुन अवार्ड भी देने की बात चल रही थी। इवन दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था कि जो वेट लिफ्टर है संजीता चानू, उनको दिया जाए अर्जुन अवार्ड, क्योंकि अब ये डोप मुक्त हो गई, उनके चार्जेस से वो हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कौन, ऐसी महिला पहली महिला बन गई है जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी है, जो कि चैलेंजर ड्रीप, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन में, आप किस ओशियन में आप मुझे कमेंट करके बताएं, वहाँ पे पहुँची है पहली महिला। तो इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, कैथी सुलीवान। अगर आपने अ वॉक टू रिमेम्बर देखी होगी, उस मूवी में जो लेडी थी उसका नाम था जेमी सुलीवान, तो आप उससे याद कर सकते हैं, कैथी सुलीवान। सुलीवान आप नाम याद रख लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो अगर हम उसे किसी चीज़ के थ्रू कनेक्ट करके याद करें तो हमें ज़्यादा वो याद रहेंगी, तो इसलिए आप इसको जेमी सुलीवान के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं, कैथी सुलीवान। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है? तो 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है डॉक्टर रतन लाल को, और डॉक्टर रतन लाल जो है नाम से तो इंडियन है, तो नेटिव तो इंडियन है, लेकिन ये सिटीज़न जो है वो यूएस के हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है वो देती है वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन, है ना, उसके कई सारे स्पॉन्सर होते हैं, वो लोग मिलके देते हैं। ये कहाँ बेस्ड है? आयोवा। आयोवा कहाँ पे है? यूएस में, IOWA, ये है यूएस में। तो वर्ल्ड फूड प्राइस इस बार किसको मिला? डॉक्टर रतन लाल को। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने अभी फ्लीट्स का फीचर शुरू किया है? तो वो है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे व्हाट्सएप में आप स्टेटस लगाते हैं वैसे ही ट्विटर का भी है ये, फेसबुक में भी आप स्टेटस लगाते हैं।
इंस्टाग्राम में रील हो गया है ना, इसलिए ट्विटर ने शुरू किया फीड्स। इंस्टाग्राम का आपको ऐड आता होगा यूट्यूब पे रील्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप बंद की आईटी एक्ट के अंदर है ना, तो किस सेक्शन के अंदर की? तो सेक्शन जो है 69A, 69A। आप याद रख सकते हैं 69 से, 69 और ए तो सब में हो गई क्योंकि अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इस बार की होस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे की? जो कि देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है ना, और इस बार की थीम क्या थी? 5 जून को मनाया जाता है, इस बार की थीम थी टाइम फॉर नेचर और सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। टाइम फॉर नेचर थी है ना, और जो होस्ट कंट्री थी इस बार दो थी है ना, एक तो आपकी कोलंबिया थी, दूसरी थी जर्मनी। तो इसमें मोर देन अबव, यहाँ पे अर्जेंटीना की जगह यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए जर्मनी का। तो ये आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ई ऑप्शन काफ़ी खेल करता है बीपीएससी में, तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका आंसर ई हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। देखिए स्वनिधि में वी आर ना वेंडर्स, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 10,000 रुपये इन्हें मिलेगा लोन फैसिलिटी। किसको मिलेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आपका कितना स्कोर आया ये भी आप लिख करके बताएं, कमेंट करें और आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।